बैक टू द चैनल। और आज मेरे साथ है एक फैमिली गाड़ी जो आप देखते हैं अपने लिए, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। मेरे सामने है एक्सल 6 जो कि 1500 सीसी के इंजन के साथ आती है, और ये गाड़ी आपको माइलेज सिटी के अंदर भी 20 से 21 की माइलेज दे देती है, और साथ ही रिफाइंड इंजन मिल जाता है उसकी। पावर और टॉर्क और कंट्रोलिंग गाड़ी की आपको यहाँ पर आपको इसके अंदर एक नया फेसलिफ्ट और साथ ही मिल जाता है नीचे फॉग लैम्प का ऑप्शन। LED बेस्ड आपको इसके अंदर लैम्प, हेड लैम्प मिल जाते हैं, DRL मिल जाता है, और पीछे बल्ब वाले आपको हैजर्ड लैंप मिल जाते हैं। तो ये इसकी फ्रंट की प्रोफाइलिंग है। इंजन 1500 cc का मैंने 4 सिलेंडर बताया आपको। कुछ इस तरह का लुक्स देती है गाड़ी जब इसके लैंप हम ऑन कर देते हैं और DRL जब ऑन हो जाता है, तो इस अंदाज में आपको गाड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है शानदार लुक्स के साथ। तो गाइस चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल के अंदर आपको एक ये स्लाइडिंग से देखने को मिलती है ब्लैक कलर की, स्प्लेंडेड सिल्वर के साथ ये पीछे तक जाती है। इस कलर कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा मैच हो जाता है ये। और यहाँ टायर साइज अपग्रेड किया गया है, जो पहले यहाँ पर 15 इंच का टायर साइज आता था उसको अभी यहाँ पर प्रोफाइल बड़ा कर दिया है 16 इंच का, 16 इंच का टायर साइज, अलॉय व्हील और विद डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट की प्रोफाइल में देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ तो पीछे की तरफ आपको मिल जाता है, कम ब्रेक में मिलता है ऑप्शन ब्रेक का, और आगे की तरफ डिस्क ब्रेक में। यहाँ से बात करता हूँ तो गाड़ी के ORVM के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, अंदर से आप उसको ऑटो फोल्ड कर सकते हैं और ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखूँ बात करूँ तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर गाड़ी में दिया गया है। पिलर ए आपको बॉडी कलर का और पिलर BC आपको मिल जाते हैं ब्लैक। क्वार्टर पैनल साइज काफ़ी बड़ा शीशे का पीछे की तरफ का रखा हुआ है। ऊपर की तरफ रूफ रेल आपको साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगी, और शानदार आपको गाड़ी यहाँ पे प्रीमियम सा लुक देने वाली एक फैमिली गाड़ी मिल जाएगी। भले से ये गाड़ी आपको स्कॉर्पियो वाला फील ना दे, लेकिन एक बहुत प्रीमियम फैमिली फील आपको ये गाड़ी जरूर से देने वाली है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। स्मार्ट हाइब्रिड आप देख ही रहे हैं, स्मार्ट हाइब्रिड का मतलब है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ये गाड़ी अपने आप को बैटरी मोड पर भी ले लेती है, और बैटरी मोड का मतलब है कि आपके फ्यूल की कंजप्शन कम हो जाती है और माइलेज आपको प्लस में मिलने लगती है। तो इसीलिए मैंने आपसे बात की थी कि 20-21 की माइलेज आपको ये देने वाली है। तो स्मार्ट हाइब्रिड अल्फा मॉडल पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, जो LED बेस्ड जिसका टेल लैम्प है, काफ़ी अच्छा पिलर लैम्प जो आपको मिल जाता है टेल लैम्प, वो काफ़ी अच्छा फील दे देता है। ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा, ये शार्क फिन एंटीना और हाई माउंट स्टॉप लाइट, ये एक वॉशर दिया गया है यहाँ पर, डिफॉगर साथ में बैक वाइपर, और ये कुछ क्रोम एलिमेंट का वर्क यहाँ पर देखने को मिलता है, सुजुकी का लोगो। नीचे की तरफ 4 आपको सेंसर मिल जाएंगे, पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और तो ये एक्सल 6 की पीछे की सारी मैंने आपको प्रोफाइल बताई है, और कम्प्लीटली काफ़ी एक ओवरऑल जो लुक इसका निकल कर आता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो चेकआउट करते हैं इसका बूट स्पेस एक बार। तो बूट स्पेस यहाँ पर आप देखेंगे एक डिसेंट इनफ छोटू सा आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, बिकॉज 6 सीटर गाड़ी है, 6 सीटर गाड़ी है। आप देख सकते हैं 2 हेडरेस्ट लास्ट रो में है, उसके बाद सेकेंड रो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस अंदाज में आप देख सकते हैं गाड़ी एक्सल 6 का फर्स्ट रो, देन ये सेकेंड रो है, और इसके बाद ये थर्ड रो है, और उसके बाद ये बूट स्पेस है। यहाँ पर आप 2 से 3 बैग ले जा सकते हैं, यहाँ ऊपर भी रख सकते हैं, कुछ सामान आप नीचे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो ये इसका बूट स्पेस मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हाँ, ये ज़रूर से है कि आप चाहें तो इसके सीट्स को, अगर कम लोग राइड कर रहे हैं तो इसके सीट्स को आप फोल्ड करके, इस तरीके से फोल्ड करके आप अपना बूट स्पेस लार्ज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं। और चीज कैप्टन सीट्स का ऑप्शन है यहाँ पर आपको। इंटीरियर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको बॉटल स्टैंड मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ ट्यूटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। डोर पर आपको कंट्रोलिंग विंडो के और आपको ORVM की कंट्रोलिंग मिल जाएगी। वुड फिनिश में आपको यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट यहाँ ऑप्शन है, क्रूज़ कंट्रोल स्टेयरिंग पर, यहाँ पर आपको मिलेगा मीडिया कंट्रोल, और ये कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। सीट अपने आप में बहुत बढ़िया, कैप्टन सीट का मतलब एयरप्लेन वाली फील आपको देने वाली है। सीट की हाइट एडजस्टमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं।
यहाँ बात करते हैं अंदर बैठ के कुछ और इंटीरियर के बारे में। तो चलो गाइस बात कर लेते हैं एक तो कमांडिंग पोजीशन की। देखो एक तो अपने आप में ही सीट में बैठा हुआ हूँ तो पूरा आगे का जो सारे कोने जो होते हैं वो कोने दिखाई देने वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पे फील कर रहा हूँ, कमांडिंग है। उसके बाद आप देखो ना कि अगर हाइट एडजस्ट कर लेते हो और उसके बाद स्टीयरिंग का आपको जो ऑप्शन मिल जाता है, स्टीयरिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये देखो ऊपर नीचे कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको ऊपर करके जब कमांडिंग पोजीशन में आते हैं तो बहुत अच्छा एक फील आपको मिल जाता है देखने को। यहाँ पर आप ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी से फ़ोन भी पिक कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा एंजॉय आप राइड करेंगे जब गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको इंटीरियर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है देखने को, और साथ ही आपको चार्जिंग ऑप्शन नीचे मिल जाते हैं देखने को। फ़ोन यहाँ पर रख सकते हैं, स्पेस कप होल्डर, ये आर्मरेस्ट दिया गया है आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। सीट काफ़ी अच्छी है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो कैप्टन सीट का मैं आपको बता दूं, वो वही चीज़ है। यहाँ पर आप सनग्लास रख सकते हैं, सनग्लास होल्डर है, लैंप यहाँ पर केबिन में, लैंप फ्रंट केबिन में 2 लैंप दिए गए हैं। तो बात करेंगे अभी केबिन इसके हमारे कैप्टन सीट्स की। तो ये यहाँ से जो आप इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर देखने के साथ साथ आप यहाँ से जब अपना देखते हैं कि आपको ये मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ पर फ्रंट में 2 कैप्टन सीट, पीछे की तरफ 2 कैप्टन सीट, पीछे की तरफ ये 2 कैप्टन सीट, और उसके बाद एक और रो मिल जाती है पीछे की तरफ। तो वो लास्ट रो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ भी, वहाँ भी 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनफ स्पेस मिल जाएगा। और कुछ इस अंदाज में ये गाड़ी एक्सल 6 आपको मिलती है। सामने हमारी रो 1 है ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की, उसके बाद ये रो 2 आप देख सकते हैं, रो 2 सेकेंड रो में भी कैप्टन सीट है, मतलब एयरप्लेन वाली फील, आप कम्प्लीटली आराम से आगे पीछे सीट को करके पूरी लेटा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पोजीशन, अभी गाड़ी की ये सीट की पोजीशन आप देख सकते हैं इस अंदाज में, आपकी सीट की ये पोजीशन, साथ वाली सीट आपकी इस पोजीशन में है, और उसके ठीक साथ में जो मेरे पास सीट है वो आपको इस तरीके से आराम से एक बहुत ही मोड, रिलैक्स मोड देती है कि आप जब अपनी बैक को आराम से पीछे की तरफ करके राइड को एंजॉय कर सकते हैं, थकावट नहीं होगी। पीछे की तरफ एसी वेंट यहाँ पर दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। पीछे की जो लास्ट की रो है उस रो के अंदर भी ये आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग देने वाली है। तो गाइस एक्सल 6 में जो एंट्री है हमारी लास्ट रो की, सेकेंड रो की एंट्री तो आपने देख ली, लास्ट रो की जो एंट्री है वो पीछे की तरफ जाने की, वो कुछ इस अंदाज में यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है। जब आप सेकेंड रो की सीट को आगे की तरफ पुश करते हैं और यहाँ से ये एक लॉबी, एक गैलरी जो बन जाती है, यहाँ से आप जाके पीछे की तरफ बैठ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा डिसेंट इनफ आपको स्पेस भी मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको चार्जिंग ऑप्शन भी दिया गया है, एक कप होल्डर दिया गया है, लैंप केबिन में यहाँ दिया गया है, ग्रैब हैंडल है यहाँ पर भी, ग्रैब हैंडल है यहाँ पीछे भी, क्वार्टर पैनल पीछे का, शीशे का साइज़ काफ़ी अच्छा, जिससे कि दम घुटा सा महसूस नहीं होता। तो ये ओवरऑल एक्सल 6 के बारे में मैंने आपको बताया। अपने घर का खुद का एयरप्लेन आप खरीद सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं, जब जी चाहे उसकी राइड ले सकते हैं, आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। कहीं भी लॉन्ग जर्नी में आप जाएंगे तो आपको गाड़ी काफ़ी हेल्प करने वाली है, ये कैप्टन सीट के साथ स्पेशली। तो जेटा मॉडल जो मैंने आपको बताया, सो गाइस 13,86,000 रुपये के प्राइसिंग के साथ जेटा मॉडल जो एक्सल 6 का, ये आप अपने घर ला सकते हैं। डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मिनिमिस्टिक जो डिफरेंसेस होते हैं फीचर्स के, अदरवाइज गाड़ी सारी कंप्लीट सेम है। तो गाड़ी की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।